ये देख लीजिए इसका लुक कितना बढ़िया आया है और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बन करके तैयार हो गई है। नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ भिंडी की कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इस कढ़ी को मैंने किस तरीके से बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम घोल तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें इस तरीके से एक बड़ा बर्तन ले लेना है और इसमें हमें डाल देना है बेसन, तो 1 चम्मच और ये 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। तो ये हम इस चम्मच से भर करके 3 चम्मच बेसन लिए हैं। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो बेसन आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आप कम बना रहे हैं तो कम भी ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। हमको हमें घोल लेना है, तो ये हमने 1 कटोरी मठा लिया था, घर का बना हुआ मठा था, उसी को हमने ले लिया था। अब इसे हमें अच्छी तरीके से पहले घोल लेना है। तो अब हम डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे ही इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो कढ़ी में हम ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, और अगर आप डालते हैं तो आप इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्ची से बनाती हूँ कढ़ी को, तो उसी से आज बनाऊंगी। और अब इसमें हमें डाल देना है पानी, ये हमने 1 गिलास और ये 1/2 गिलास, मतलब 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी हमने इसमें डाल दिया है। इसका बिल्कुल पतला सा घोल आपको तैयार करना है, इस तरीके का होना चाहिए घोल। चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें हमने तेल डाल दिया है। तो ये हमने सरसों का तेल डाला है। ये हमने 8-10 भिंडी ली थी, तो जिसको हमने इस तरीके से बड़े पीसेस में ऐसे कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप बड़े पीसेस कर सकते हैं। तो इसे हमें फ्राई करना है, तो हम इसे डायरेक्ट तेल में डाल दे रहे हैं, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए भिंडी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, तो हमें इसे इतना ही फ्राई करना है, 80% इसे हमें पकाना है इस तरीके से। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसे आपको इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि आपको भिंडी को कितना फ्राई करना है। ये देख लीजिए कलर भी इसका हल्का हल्का सा चेंज हो गया है ऐसे। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। तो वही सेम कढ़ाई है और वही तेल बच गया है जो हमने भिंडी फ्राई करी थी, तो वही वाला तेल है। हम इसमें और तेल नहीं डाल रहे हैं। तो अब इसमें हमें डाल देना है 3-4 लहसुन की कलियां और 3-4 हरी मिर्च को, और इसे थोड़ा सा इस तरीके से हम हिला लेंगे। और अब इसमें हम डाल रहे हैं मेथी दाना, और इसे भी हमें इस तरीके से थोड़ा सा चला लेना है। गैस को हम धीरे कर दिए हैं और अब इसमें हमें डालना है ये घोल। तो एक बार हम इसे इस तरीके से चला ले रहे हैं चम्मच से, और अब इसे हमें डाल देना है इस कढ़ाई में। तो गैस को हमने धीरे कर दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। 1/2 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। और अब गैस को हम तेज कर ले रहे हैं ताकि हमारी कढ़ी में जल्दी से उबाल आ जाए। ये देखिए कढ़ी में उबाल आ गई है, तो इसे हमें 2-3 मिनट पहले पका लेना है। कढ़ी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, तो इसमें अब हम डाल देंगे तली हुई भिंडी। और भिंडी डालने के बाद भी हमें इसे कम से कम 4 या 5 मिनट और पकाना है। तो भिंडी डालने के बाद हमें इसे 4-5 मिनट और पकाना है कढ़ी को। तो गैस की फ्लेम को हमने तेज ही रखा है, तेज गैस पे ही इसे हम पका रहे हैं। और भिंडी को पहले ही हमने फ्राई कर लिया था अच्छी तरीके से, तो इसलिए ज़्यादा देर इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भिंडी डालने के बाद हमने इसे 5 मिनट और अच्छी तरीके से पका लिया है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो ये देखिए हमारी कढ़ी पक करके तैयार हो गई है। तो इसे आप रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे तो ये रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अभी इसका पूरा काम नहीं हुआ है, एक काम इसमें अभी बचा है, तो चलिए वो कर लेते हैं। फ्राई पैन में हमने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी और गैस को चालू कर दिया है, और घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हमें डाल देना है कढ़ी पत्ते, और अब डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। गैस को बंद कर देना है और इसे इस तरीके से थोड़ा सा हिला लें। अब डायरेक्ट हमें इसे कढ़ी में डाल देना है इस तरीके से। ये देख लीजिए इसका लुक कितना बढ़िया आया है और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बन करके तैयार हो गई है। तो इसे आप इस तरीके से एक बार फ्राई ज़रूर करिएगा, और इसमें देसी घी से ही करिएगा, तभी इसका टेस्ट
बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी भिंडी की कढ़ी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।